नहीं बहुत अच्छा है. आई मीन एज यू नो मैंने पहले भी आई वॉक द रैंप बट नेवर फॉर ज्वेलरी सो आई एम रियली हैप्पी फर्स्ट टाइम. सो एज आई सेइंग कि मैंने पहले कभी आई हैवन वॉक फॉर अ ज्वेलरी फैशन वीक सो आई एम यू नो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट लुक फॉर मी एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू इट फॉर मोनी हु हैज ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम सिटी एज मी एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो मेकिंग दिस स्पेशल पीस एंड या इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. जैसे आपने कहा अलग था मेरे लिए लेकिन बहुत मज़ा आया. I think a little bit, yeah, because usually I'm going for the, you know, more lighter look, so to say, because I'm a sports person. So this is the first time I'm in such a heavy look and, you know, a heavy kind of, also not just makeup, but also the jewelry. So I think it does matter. Like I said, I'm so glad that I could do it because I've never worked with jewelry before. Something about the piece, what you're wearing and something about the designer, like, you know, why this particular design? I mean, Moni and me, I actually have a lot of stuff from her besides here. So she's, as we all know, she makes some beautiful jewelry. And especially this piece that I'm wearing, it's from the Zorakshi collection, if I'm not wrong. And it was specially designed for me. So yeah, I feel very, very beautiful, I must say. Being a sports person, normally, but why not a sports person? Why not a sports person? Exactly, ये हमारा answer दे रही है. No, I think as a sports person, हम लोग इंसान होते हैं. Out of that also, we're girls and you know we're women and we like to look nice and we like to wear nice jewelry. मुझे खासकर diamond से बहुत प्यार है. सानिया कितना अनमोल होगा जब खेल रुकने के लिए आपकी सिफारिश हुई है ये सब ज्वेलरी से वो कितना अनमोल होगा? I think मेरे लिए definitely it's a huge honor कि मुझे you know सीधा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने has जैसा आपने कहा सिफारिश दी है. सो आई एम लाइक आई सेड विनिंग और नॉट इज़ वन थिंग बट आई थिंक द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी इज़ टू बी नॉमिनेटेड फॉर सच एन अवार्ड एंड ऑफकोर्स आई थिंक ऑल दिस मेक्स इट वेरी स्पेशल. आपने विंबलडन जीता है मार्टिना हिंगिस के साथ, इसके पहले जूनियर में किया था. विंबलडन जीतना पूरी वीमेन डबल्स में इतना अलग है, जो तीन बार आपने ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स भी जीता. आई थिंक विंबलडन जीतना हर हर बच्चे के लिए जब वो टेनिस रैकेट उठाता है एक ख्वाब होता है. तो मेरे लिए आई फील वेरी प्रिविलेज दैट आई एम नॉट जस्ट एबल टू लिव माई ड्रीम बट ऑल्सो यू नो अचीव इट. सो यू नो फॉर मी इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू एंड फॉर एन फॉर एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू शेयर इट विद इंडिया व्हेन आई गॉट बैक. I think Moni's khasiyat is she makes everything very royal. Chahe wo kuch bhi ho, it could be as something as small as matlab just a small stone, but I think it's her touch of it makes it very royal, and that's how I feel right now. नहीं, ये लीग ऑब्वियसली बहुत लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल रही है और बट वे जस्ट राइट नाउ मुझे बहुत सारी चीज़ें बिफोर IPTL यू नो एज यू नो मैं US ओपन है, US ओपन से पहले है, चैम्पियनशिप्स है, तो बहुत सारी चीज़ें बट या आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. 2015 का फोकस अभी क्या रह गया? आई थिंक जो दो मेरे गोल्स हैं इस साल के, वो एक था नंबर वन होना और एक ग्रैंड स्लैम जीतना, जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने दोनों कर लिए. सो होपफुली यू नो लाइक आई सेड maybe US Open it would be great to win another slam before it's over.